बच्चों, अब हम इस तंत्र के अंतर्गत एक और टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, प्लांट सक्सेशन की, यानी पादप अनुक्रमण की बात करते हैं। तो आपने ऐसे घने गहरे जंगल देखे हैं, कभी आप उन जगहों पर घूमने गए होंगे तो आपको बहुत बड़े बड़े वृक्ष दिखाई देते हैं। तो ये जंगल जो है वो बने कैसे होंगे, उसकी शुरुआत कैसे हुई होगी, यहाँ कभी बाढ़ तूफान आ जाता है तो वहाँ पर फिर से जीवन कैसे चालू हो जाता है, तो वो प्रक्रिया कैसे होती है, उसी को ही अभी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो एक टर्मिनोलॉजी है अनुक्रमण, सक्सेशन जिसको कहते हैं। तो ये क्या है, एक निर्धारित दिशा में बढ़ने वाली व्यवस्थित प्रक्रिया है, और समय के साथ जो है वहाँ के जो जाति समुदाय हैं उनकी संरचना में धीरे धीरे परिवर्तन होते जाता है। तो यदि हम इसको देखें कि अनुक्रमण जो है समुदाय के विकास का व्यवस्थित प्रक्रम होता है, किस तरीके से व्यवस्था में ये चलता है, धीरे धीरे ये आगे बढ़ता है, और समय के साथ साथ समुदाय की जाति संख्या में और उसकी संरचना में भी परिवर्तन होते जाता है। तो कोई भी समुदाय कह लें, किसी भी जगह का, किसी भी पारितंत्र का कह लें, वो समुदाय स्थिर नहीं होता है, उसमें हमेशा परिवर्तन चलता रहता है। भले ही बाहरी दृष्टि से हम देखते हैं तो वो हमें स्थिर दिखाई देता है, लेकिन अंतर में उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। तो शुरुआत कैसे होती है, उसको हम देखते हैं कि जो कहीं भी वेजिटेशन का बनना, यानी जो शुरुआत हो रही है, उसमें सबसे पहले होती है उत्पत्ति, फिर होता है उसका विकास, फिर उसकी प्रौढ़ावस्था आती है, और एक अवस्था ऐसी आती है कि उसकी मृत्यु भी होती है। तो अंतिम अवस्था को हम कहते हैं क्लाइमेक्स, यानी कोई भी स्थान जो है वहाँ जब तक क्लाइमेक्स स्टेज तक में नहीं आता तब तक वहाँ जो है वहाँ परिवर्तन चलता रहता है, और जब क्लाइमेक्स स्टेज आ गया यानी वो वहाँ की वेजिटेशन इस तरीके की हो गई तो वो फिर पारितंत्र जो है वो स्थिर हो जाता है। तो यदि हम अनुक्रमण को समझने का प्रयास करें तो असल में अनुक्रमण क्या है, वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई क्षेत्र क्रमिक रूप से विभिन्न समूहों या जैविक समुदायों के द्वारा परिपूर्ण हो जाता है। परिपूर्ण हो जाता है मतलब अब वहाँ परिवर्तन की जो संभावना है वो बहुत कम रहती है, या कहना चाहिए वो बहुत स्लोली प्रोसेस में होता है। तो अनुक्रमण के द्वारा पारितंत्र में जीविक घटकों की उत्पत्ति होती है, उनकी एजिंग होती है, वहाँ के जो जैविक घटक हैं, माने पहले उत्पत्ति हुई फिर उनकी एजिंग हो रही है, और जो प्लांट सक्सेशन में जो मध्यवर्ती चरण रहते हैं, स्टेप्स रहते हैं, उनको सीयर कहते हैं, यानी क्रमक कहते हैं, और अंतिम स्टेज को हम कहते हैं क्लाइमेक्स कहते हैं। और इसके प्रकारों की हम बात करें, क्योंकि ये प्रकार भी हमें जानने जरूरी, आगे हम हाइड्रोसर और जीरोसर की हम डिटेल में कैसे व्यवस्था होती है, प्राकृतिक व्यवस्था, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी सबसे पहले हम उत्पत्ति विकास के आधार पर ही कौन कौन से प्रकार हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहला इसका प्रकार जो है प्राथमिक क्रमक, यानी प्राइमरी सीयर जो है वो क्या होता है, तो ऐसे स्थान जहाँ पर पहले कभी जीवन नहीं था, तो वहाँ पर कैसे ये जीवन की शुरुआत होगी, यहाँ कहना चाहिए प्लांट कम्युनिटी कैसे आगे बढ़ेगी, तो ये प्राथमिक सीयर कहलाता है। तो यहाँ पर असल में कुछ एग्जांपल्स यदि हम सोचने का प्रयास करें, जैसे ज्वालामुखी से बने हुए आइलैंड्स हैं, या फिर रेतीली भूमि है, रेतीली ज़मीन है, रेत के टीले हैं, पथरीले चट्टाने हैं जहाँ पर जीवन संभव नहीं है, तो वहाँ पर कैसे ये जीवन स्टार्ट होगा, यानी ये प्लांट सक्सेशन कैसे विकसित होगा, तो ये प्राइमरी कहलाता है, वहाँ भी धीरे धीरे होता जाता है। अब दूसरा जो है द्वितीयक है, ये किसी कारणवश जैसे बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, या और कोई ऐसी पारिस्थितिक घटना घट गई, यानी कहना चाहिए वन में आग लग गई, तो फिर से यदि वहाँ पर जब पुनः स्थापना हो जा रही है तो वो कहलाता है द्वितीयक सीयर। तीसरा होता है ऑटोजेनिक, तो यहाँ पर क्या होता है, वहाँ के जो जैविक घटक हैं वो वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार धीरे धीरे परिवर्तित होते चले जाते हैं। तो एक
समुदाय जो है उसका प्रतिस्थापन नए समुदाय के द्वारा ले लिया जाता है, मतलब जिन्होंने अपने आप को अनुकूलित कर लिया, अपने अनुसार वहाँ के वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लिया, तो ये होता है ऑटोजेनिक। एक और प्रकार है एलोजेनिक। एलोजेनिक में क्या होता है कि वहाँ का जो समुदाय का जो प्रतिस्थापन है वो वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार नहीं होता, बल्कि बाहरी कंडीशंस इस तरह की आती हैं, यानी तूफान आ गया या बाढ़ आ गई, तो इस तरीके से ये बाहरी कंडीशंस जो प्रभावित कर रही हैं और कोई दूसरे जैविक समुदाय आके वहाँ पर बस गया है तो वो एलोजेनिक कहलाता है। और एक और होता है अभिप्रेरित। अभिप्रेरित मतलब ये मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार कहीं पर ये सक्सेशन करा रहा है, तो ये उसका प्रकार होता है। और एक और होता है स्थल के आधार पर, तो स्थल के आधार पर दो होते हैं, एक हाइड्रोस्फीयर होता है और एक जीरोस्फीयर होता है। हाइड्रोस्फीयर माने जल का अनुक्रमण, और जीरोस्फीयर जो है हाइड्रोस्फीयर एंड जीरोस्फीयर। तो बच्चों हमने पादप अनुक्रमण की बात की थी कि वो क्या है, कैसे पादप समुदाय जो है उसका विकास होता है, और हमने उत्पत्ति के आधार पर भी बात कर ली थी कि इसके कितने प्रकार हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो अनुक्रमण है स्थल के आधार पर भी ये पाया जाता है, और ये दो प्रकार का होता है, जैसे आप देख रहे हो हाइड्रोस्फीयर और जीरोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मतलब होता है जलक्रमक, और जीरोस्फीयर का मतलब है मरुद्भिद वाले जगहों में, यानी ऐसे जगह जहाँ पर नग्न चट्टाने होती हैं या फिर ऐसे जगह जहाँ पर पानी की कमी पाई जाती है, वहाँ पर भी पादप समुदाय का कैसे विकास होता है, ये स्थल के आधार पर हम पादप अनुक्रमण को पढ़ेंगे। तो हाइड्रोस्फीयर जैसे आप नाम से ही समझ रहे हैं, जलक्रमक जिसको कहते हैं, तो ऐसे वाटर बॉडीज़ यानी कि आप जानते हो तालाब है, पोखर है, झील है, ये जल वाले स्थल हैं, ऐसे वाटर बॉडीज़ हैं, यहाँ पर भी ये पादप अनुक्रमण पाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पादप अनुक्रमण जो है उसमें हाइड्रोस्फीयर जो है उसमें कैसे पादप समुदाय का विकास होता है, कौन कौन सी स्टेज से वो गुजरता है, उसको पहले हम एक नज़र में देख लेते हैं कि कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। तो हाइड्रोस्फीयर में चलिए हम देखते हैं कि पहली आप देख रहे हो पादप प्लवक है, यानी कि फाइटोप्लैंकटन जिसको कहते हैं। दूसरी अवस्था आप देख रहे हो निमग्न अवस्था है, जिसको सबमर्ज स्टेज कहते हैं। तीसरी अवस्था आप देख रहे हो प्लवन अवस्था है, जिसको फ्लोटिंग स्टेज कहते हैं। नेक्स्ट आप फोर्थ देख रहे हो रीड स्वैम्प स्टेज है, नेक्स्ट आप देख रहे हो सेजमिडो स्टेज है, एंड लास्ट देख रहे हो आप वुडलैंड स्टेज। वुडलैंड स्टेज जो है वो क्लाइमेक्स स्टेज है, लास्ट स्टेज है। आप जैसे कहीं घूमने जाते हो, जंगल देखते हो, तो वो जंगल जो इतने घने रहते हैं, पेड़ों से ही पूरे घिरे रहते हैं और ऊंचे ऊंचे पेड़ रहते हैं, तो ये उस अवस्था तक पहुंचे कैसे होंगे, तो ये जो है ये वही बात अभी हम कर रहे हैं कि पादप समुदाय का किसी जगह में विकास कैसे हो रहा है। तो अभी हम देख रहे हैं कई जगह ऐसा होता है कि वाटर बॉडीज से भी ये पादप समुदाय का विकास होता है, यानी प्लांट सक्सेशन स्टार्ट होता है, और कहीं पर नग्न चट्टानों से यानी कि जीरोस्फीयर भी जो है वो वहाँ पर भी पादप समुदाय का विकास होता है। तो अभी हम जो हाइड्रोस्फीयर की बात कर रहे हैं, तो अब हम इसके पहले स्टेज की बात करते हैं। पहले स्टेज में हमने जैसे बात की कि ये पहले होता है फाइटोप्लैंकटन। तो फाइटोप्लैंकटन जो है वो उसकी शुरुआत कैसे होती है, आप जैसे ये चित्र देख रहे हो, इसमें आप देख रहे हो कि जो तालाब है उसमें जो पानी जो है वो कम है, बीच में ये गहरा रहता है और साइड में ये उथला रहता है। तो ऐसे तालाब या झील या पोखर जो होते हैं धीरे धीरे जो है वो सूख जाते हैं, और कैसे वहाँ पर पादप का विकास होता है, तो शुरुआत कहाँ से हो रही है, हम देख रहे हैं फाइटोप्लैंकटन से हो रही है। तो फाइटोप्लैंकटन में जो है पुरोगामी समुदाय यानी पायोनियर कम्युनिटी के रूप में होते हैं। इसमें जो है आप बीच वाले हिस्से में देख रहे हो जहाँ पर वो गहरा है, वहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, डायटम्स हैं, और कुछ जीवाणु जो हैं वहाँ पर पहले वृद्धि करते हैं या उनकी कॉलोनीज जो हैं वहाँ पर पहले विकसित होती हैं, वहाँ पर ये अपनी वृद्धि करते रहते हैं। जब ये
पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हो जाती है, तब इसके बाद जो है सेकेंड स्टेज स्टार्ट होती है, वो है सबमर्स स्टेट या स्टेज या निमग्न अवस्था। तो फाइटोप्लैंकटन क्या है, सबकी जो है लाइफ रहती है, जीवन की एक उम्र रहती है, सीमा रहती है, तो निश्चित रूप से जहाँ पर फाइटोप्लैंकटन पाए जा रहे हैं उनकी मृत्यु भी होगी। वो वृद्धि तो कर रहे हैं साथ में उनकी मृत्यु भी हो रही है, तो उनकी वृद्धि के साथ साथ यदि वो मृत्यु भी होते जा रही है और फिर साथ में वर्षा जब होती है यानी जब बारिश होती है, तो बारिश के साथ जो है मिट्टी लाई जाती है या रेत के कण लाए जाते हैं। तो जब दोनों साइड से रेत के कण लाए जाते हैं या मिट्टी के कण लाए जाते हैं, तो उसके कारण जो बीच वाले हिस्से में जो है वहाँ पर जो है अब क्योंकि मिट्टी या रेत के कण आ जाते हैं जिसके कारण पानी का स्तर जो है वो कम हो जाता है। तो पानी का स्तर कम होने के कारण साइड से तो ऐसे भी कम होते जा रहा है, लेकिन बीच में भी क्या हो रहा है कि फाइटोप्लैंकटन की डेथ हो रही है, उनसे जो है कीचड़ उत्पन्न हो रही है, कीचड़ उत्पन्न होने के कारण और पानी का स्तर कम हो गया, तो वहाँ पर अब जड़ निमग्न युक्त जो पौधे हैं, जैसे कुछ एग्जांपल की हम बात करते हैं, हाइड्रिला है, वेलिसनेरिया है, यूट्रिकुलेरिया है, इलोडिया है, पोटेमजिटान है, ये जो पौधे हैं जड़युक्त जो निमग्न यानी नीचे जो रहते हैं, ये पौधे जो हैं वृद्धि करने लगते हैं। साथ में कुछ कैरा आदि जो पौधे हैं वो भी पाए जाते हैं। अब ये जब पौधे पाए जा रहे हैं इनके साथ कुछ और भी ऐसे जड़युक्त पौधे होते हैं वो भी वृद्धि करने लगते हैं। अब फिर ये जो पौधे हैं निमग्न पौधे जो हैं, अब इनकी भी वृद्धि होती है, इसके बाद फिर मृत्यु होती है। तो ये जब काम साथ साथ चलते रहता है तो फिर से यहाँ पर कीचड़ जो है और बढ़ जाती है, यानी दलदल युक्त जो है वो हिस्सा हो जाता है, या हम एक बात और कहें कि तालाब की जो गहराई है अब कम होती जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज जो है फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग स्टेज है। तो फ्लोटिंग स्टेज में जो है इसमें आप देख रहे हो कि गहराई और कम होती गई, कीचड़ युक्त जगह वहाँ उत्पन्न हो गई है, तो वहाँ पर अब जो निमग्न पौधे हैं उनको जो है छाया नहीं मिलती है। अब इसके जगह पर दूसरे पौधे स्थान लेते हैं, यानी कि जो तैरने वाले पौधे हैं, निम्फिया है, निलंबिया है, या टाइफा है, या सिंघाड़ा वाले जो पौधे हैं वो इनका स्थान ले लेते हैं, फिर वो बढ़ने लगते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेज कौन सी है, रेड स्वैम्प स्टेज है। तो तीसरी स्टेज जो है फ्लोटिंग स्टेज, इस स्टेज में और भी कुछ स्वतंत्र प्लावित पौधे जैसे एजोला है, लैमना है, साल्विनिया है, ये भी बढ़ते रहते हैं। और इन पौधों की अधिकता के कारण अब निमग्न जो पौधे हैं जो नीचे हैं जड़युक्त, हमने जिन पौधों की बात की थी, हाइड्रिला वगैरह, वेलिसनेरिया, इन पौधों तक जो है वो सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती है। अब इनकी पत्तियों से क्या होने लगता है, ट्रांसपायरेशन होने लगता है, वाष्पोत्सर्जन होने लगता है, जिसके कारण पानी की कमी जो है और ज़्यादा होते जाती है। और वो पौधे जो हैं क्योंकि समुचित प्रकाश नहीं मिल पाता है तो वो मरने लग जाते हैं। अब इन पौधों की मृत्यु के कारण वहाँ पर खाद और कीचड़ जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लग जाता है, गहराई भी कम होने लग जाती है। तो गहराई भी कम होते जा रही है, तो धीरे धीरे क्या है, अब ये अगली स्टेज के जो पौधे हैं उनके लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ होने लगती हैं। तो अगली स्टेज कौन सी है, रेड स्वैम्प स्टेज है, जिसको एमबीबीएस स्टेज भी कहते हैं। तो यहाँ पर अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ जो तालाब की गहराई है वो 2 से 4 फीट ही रह जाती है। जो काफ़ी गहरा तालाब था अब उसकी गहराई कितनी हो गई है, लगभग 2 से 4 फीट। अब यहाँ पर ऐसे पौधे ही वृद्धि करते हैं या कहना चाहिए पनपते हैं जिनका प्रकाश संश्लेषी भाग जो है यानी पत्तियाँ जो हैं वो ऊपर में रहती हैं, यानी हवा में रहती हैं पानी से ऊपर। अब पानी से ऊपर रहने के कारण ये अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते रहते हैं। और ये कुछ एग्जाम्पल जैसे हैं, सिरपस है, टाइफा है, सेजिटेरिया है, और इनकी पत्तियां जो है ट्रांसपायरेशन करके पानी को उड़ाते रहती हैं। धीरे धीरे पानी आप देख रहे हो कैसे जो एक तालाब था वो धीरे धीरे कीचड़ दलदल वाले स्थल में बदल गया, धीरे धीरे अब इसका पानी
जो है और उड़ते जा रहा है, यानी इसमें पानी की और कमी होती जा रही है। तो अब यहाँ जो भूमि है वो छिछली हो जाती है, शैलो हो जाती है, दलदल युक्त हो जाती है। अब ये जो छिछली हो गई है, कहना चाहिए अब ये एमपीबीएस पौधों के जीवित रहने के लिए अनुकूल नहीं रहती है। तो अब ये पौधे भी क्या होते हैं, धीरे धीरे मरने लग जाते हैं। अब यहाँ पर भूमि क्योंकि अब दिखने लग जाती है, तो अब वो नेक्स्ट स्टेज आ जाती है, यानी नेक्स्ट स्टेज में यानी कौन से फिर प्लांट आएंगे, तो वो है सेज मेडो स्टेज। अब ये मैट लाइक जालीनुमा जो वनस्पतियाँ हैं, साइप्रेसी या ग्रैमिनी कुल के जो पौधे हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कैरेक्स है, जंकस है, साइप्रस है, एलोकैरस है। ये जो है यहाँ पर अब पनपने लग जाते हैं, यानी उनके लिए ये जो परिस्थितियाँ हैं काफ़ी अनुकूल होती हैं। यहाँ अब पानी बहुत कम हो जाता है, भूमि शुष्क हो जाती है, इवन भूमि दिखाई भी देने लग जाती है। वाष्पीकरण भी आप देख रहे हो बहुत तेज़ी से होता जा रहा है, भूमि अब स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो दलदली वनस्पति के लायक अब वो जगह भी नहीं रहती है, तो धीरे धीरे ये अब झाड़ियाँ का विकास होने लग गया। अब इसके बाद और भी ये भूमि शुष्क होती जाएगी, जिसके लिए और अगली स्टेज जो है वो है वुडलैंड स्टेज। अब पूरी भूमि कैसे हो गई, जो पानी था तो अलाप का, फिर शुष्क हो गया, फिर दलदली हो गई, फिर आखिरी स्टेज आपने देखा कि पूरी ये सूखी हो गई भूमि। तो यहाँ पर अब वुडलैंड स्टेज आती है, जहाँ पर कुछ झाड़ियाँ वृद्धि करने लग जाती हैं, जैसे सेलेक्स है, कॉर्नस है, पॉपुलस है, एल्मस है। साथ में यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जो है यहाँ खनिजीकरण की क्रिया करते हैं, यानी मिनरलाइजेशन की क्रिया करते हैं, ताकि यहाँ की भूमि में बहुत ज़्यादा मिनरल्स जो हैं वो बनने लग जाते हैं। जब ये पूरी भूमि सूख गई, तो अब इसकी लास्ट स्टेज जो है वो क्लाइमेक्स स्टेज है, या फॉरेस्ट स्टेज है, या कहना चाहिए वन अवस्था है, वो पहुंचती है। तो अब यहाँ पर बड़े बड़े पौधे, जैसे आप देख रहे हो एल्मस, एसर और क्वेरकस आदि, ये पौधे जो हैं वो पनपने लग जाते हैं, उनके लिए ये परिस्थितियाँ बहुत अनुकूल हो जाती हैं। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि हाइड्रोसियर जो है, जल क्रमक जो है, वो कैसे एक वाटर बॉडी जो है, तालाब, झील या पोखर जो है, यदि वहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ आ गई हैं कि धीरे धीरे वहाँ पानी कम होते जा रहा है, तो वहाँ पर कैसे एक पादप समुदाय जो है वो विकास करता है, और पूरी वो लैंड जो तालाब के रूप में पहले थी वो सूख जाती है, और वहाँ कैसे बड़े बड़े पौधे जो है और वृक्ष जो हैं वो पनपने लगते हैं। अब हम दूसरे पादप अनुक्रमण जीरोसियर की बात करते हैं। जीरोसियर जो है वो दो प्रकार का होता है, लिथोसियर और सेमोसियर। लिथोसियर जो है उसकी शुरुआत जो है आप देख रहे हो बैरन बेयर रॉक जो है, यानी नग्न चट्टान से होती है, और सेमोसियर की जो शुरुआत है उसका जो विकास का जो, यानी पादप समुदाय के विकास की जो अवस्था है वो सॉइल से शुरू होती है। अब सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि लिथोसियर जो है, यानी नग्न चट्टानों में कैसे पादप समुदाय का विकास होता है, और एक जंगल में वो कैसे परिवर्तित होता है। तो इसके जो कुछ स्टेजेस हैं वो कौन कौन से हैं, इसको हम देख लेते हैं। पहले आप देख रहे हो क्रस्टोज लाइकन स्टेज है, दूसरी फॉलियोज लाइकन स्टेज है, तीसरी आप देख रहे हो मॉस स्टेज है, चौथी हर्बेशियस स्टेज है, फिर श्रब स्टेज है, एंड देन क्लाइमेक्स या फॉरेस्ट स्टेज है। तो जीरोसियर कहते हैं किसको हैं, तो ऐसे स्थान जहाँ पर नग्न चट्टानें हैं या वायु द्वारा लाए गए प्रवाहित मृदा है, यानी जो बहने वाली जो मृदा है वहाँ पर, या बहुत ही कम पानी वाले स्थल, ऐसे स्थल तो जहाँ पर पादप समुदाय के विकास के जो विभिन्न चरण से गुजरता है उसको हम जीरोसियर कहते हैं। अब ये पहली स्टेज जो है क्रस्टोज लाइकन स्टेज जो है वो कैसे, उनमें कौन से पादपों का विकास होता है आप देख रहे हैं, क्योंकि ये नग्न चट्टाने हैं और हम ऐसी भी बात कर रहे हैं कि जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, और जीरो का मतलब ही आप समझ रहे हो कि ऐसे मरुस्थल जहाँ पर पानी की कमी होगी। तो यहाँ पर परिस्थितियाँ बिल्कुल उलट हैं, जैसे हमने हाइड्रोसियर की बात की थी, वहाँ तो पानी था और पानी ट्रांसपायरेशन के थ्रू उड़ रहा था,
लेकिन यहाँ पर क्या परिस्थिति है, यहाँ पर जो है सूर्य का प्रकाश सीधे पड़ रहा है, पानी की बहुत ज्यादा कमी है और इन नग्न चट्टानों पर केवल वही विशिष्ट वनस्पतियां ही पौधे वह उग सकते हैं जो अत्यधिक पानी की कमी को सह सकें या उनमें ऐसी क्षमता हो कि पानी की कमी होने पर भी वो जीवित रह सकते हैं। तो ऐसे कुछ पौधे जो हैं वो लाइकेंस होते हैं, या पायोनियर कम्युनिटी के रूप में हम बात करें कि कौन से ऐसे पौधे विकसित होते हैं, तो वो कुछ लाइकेंस ही हैं, क्रस्टोज लाइकेन जिनका नाम है, वही केवल ये वृद्धि कर सकते हैं। तो क्रस्टोज लाइकेन क्या करते हैं, वहाँ वृद्धि करते हैं, वहाँ थोड़ा सा पानी भी मिल जाता है तो उसका वो अवशोषण करके ये वृद्धि करने लग जाते हैं। साथ में ये वहाँ पर जो है चट्टानों का अपघटन भी करते हैं, तो अपघटन करने के कारण वहाँ जो चट्टान के जो रेत के कण हैं, रेत के कण वहाँ अवेलेबल हो गए, और साथ में ही अब ये जो लाइकेंस हैं, क्रस्टोज लाइकेंस हैं, ये भी तो इनकी भी एक लाइफ है, एक उनकी उम्र है, तो ये क्या होते हैं, मरने लग जाते हैं। तो ये मृदा के कण यानी ये जो चट्टान के जो रेत के कण हैं और ये क्रस्टोज लाइकेन जो है, ये जब मर जाते हैं तो इन दोनों से मिलकर जो है ह्यूम्स बनने लग जाती है। ह्यूम्स आप जानते हैं पौधों के लिए बहुत अच्छी रहती है, जिसकी उपस्थिति के कारण ही पौधे जो हैं अच्छे से वृद्धि कर पाते हैं। तो ये साथ में और क्या करते हैं, ये जो लाइकेन्स हैं वो दूसरी चट्टानों पर भी अपने खंडों का विकर्णन करते हैं, डिस्पर्सल करते हैं हवा के द्वारा, एक चट्टान से दूसरे चट्टानों पर चले जाते हैं, तो वहाँ भी वही प्रोसेस करते हैं, धीरे धीरे वो वृद्धि करेंगे, उनकी डेथ होने के बाद वो वहाँ के रेत के कणों में मिलकर ह्यूम्स का निर्माण करने लग जाते हैं। तो धीरे धीरे ये जो है वहाँ पर ह्यूम्स अब कहना चाहिए बनने स्टार्ट हो गई है। अब ये क्रस्टोज लाइकेन के बाद ये जो श्रवण कर रहे हैं, अम्ल का भी श्रवण कर रहे हैं और ह्यूम्स भी जो बना रहे हैं, इसके बाद दूसरी स्टेज स्टार्ट होती है फॉलियज लाइकेन स्टेज की। तो सेकेंड स्टेज इसकी क्या है, फॉलियज लाइकेन स्टेज है। तो रॉक्स में लाए गए परिवर्तन के कारण अब जो है कि वो क्रस्टोज लाइकेन जो है धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं, उनके स्थान पर क्योंकि अब ह्यूम्स की मात्रा बढ़ गई तो दूसरे पौधे उनका स्थान ले लेते हैं, वो है फॉलियज लाइकेन। इनके जो थैलस रहते हैं वो चौड़े रहते हैं, चौड़े रहने के कारण जो नीचे क्रस्टोज लाइकेन है यदि कुछ बच भी गए हैं तो अब वो जीवित नहीं रह पाते हैं, तो उनकी मृत्यु होने लगती है। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि उनकी मृत्यु हो रही है, वहाँ डिकम्पोजिशन भी हो रहा है, तो जिसके कारण दोनों जो है मिलकर क्या बना रहे हैं, ह्यूम्स बनाते जा रहे हैं। तो ये फॉलियज लाइकेन स्टेज में ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूम्स का निर्माण होने लगता है, पानी का संचय भी यहाँ पर तेजी से होने लगता है क्योंकि ह्यूम्स बन गई, पौधों के बनने की अवस्था यानी कि एक अनुकूल परिस्थितियाँ निर्मित होने लग रही हैं, तो फॉलियज लाइकेन स्टेज जो है वो बढ़ते जाती हैं, यानी फॉलियज लाइकेन जो है वो वृद्धि करने लग जाते हैं। और फिर इसके बाद जो है एक मृदा का एक परत भी यानी मिट्टी की एक परत भी बननी चालू हो जाती है, क्योंकि ये लगातार जो वृद्धि कर रहे हैं, फिर वो मरेंगे, फिर जो दूसरे आएंगे दूसरे बनेंगे, तो धीरे धीरे आप देख रहे हो एक जो नग्न चट्टान थी वो वहाँ पर एक मिट्टी की परत का निर्माण होने लग गया है। तो अब ये परिस्थितियाँ जो हैं, जो नेक्स्ट स्टेज है उसके लिए काफ़ी अनुकूल हो जाती हैं, मॉस के जैसे पौधे जो हैं उनके लिए ये परिस्थितियाँ काफ़ी अनुकूल हो जाती हैं, तो फिर नेक्स्ट स्टेज मॉस की आती है। तो आपने देखा अभी मॉस स्टेज के लिए जो है परिस्थितियाँ काफ़ी अनुकूल हो गई हैं, चट्टानों पर मृदा के संचय के कारण जीरोफिटिक मॉस के लिए ये परिस्थितियाँ अनुकूल हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से पौधे विकसित होंगे, ग्रेमिया है, फाइटो पॉलीटाइकम है, टार्टुला है, ये मॉस के पौधे जो है विकसित होते हैं। अब इनके जो स्पोर्स हैं हवा के माध्यम से दूसरी जगहों पर भी जाते हैं, ताकि वहाँ पर भी जो है मिट्टी का जो निर्माण है वो काफ़ी ज़्यादा होने लग जाता है। इसके साथ ही पुराने पौधे की जो मृत्यु हो रही है, फिर अपघटन हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पर अब जो मृदा की जो
चादर है या कहना चाहिए परत है वो और मोटी होने लग जाती है। तो ये परिस्थितियां जो हैं अगली स्टेज के लिए काफ़ी अनुकूल हो जाती हैं। मॉस के बाद अगली आती है शाकी अवस्था। तो पहले जैसे हमने बात की कि अब नग्न चट्टानों से स्टार्ट हुआ था, वहाँ पर पानी की अत्यधिक कमी थी, अब चूंकि परिस्थितियाँ धीरे धीरे बदल रही हैं तो मॉस की मृत्यु के कारण और अपघटन के कारण वहाँ मोटी मृदा का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण आप जानते हो मिट्टी में पानी धारण की क्षमता ज़्यादा होती है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि पानी जो है ठहरने लगेगा और वाष्पीकरण जो है वो उसकी जो दर होगी या उसकी रेट जो होगी वो कम हो जाएगी। तो अब हम अगली स्टेज पर आते हैं, यानी कि शाकी अवस्था में आते हैं, हर्बेशियस अवस्था में आते हैं। यहाँ पर अब जैसे देख रहे थे कि मॉसेस जो है बहुत ज़्यादा हो गए थे, उसके कारण जो है चट्टानों पर काफ़ी मात्रा में मृदा का निर्माण हो गया और उस मृदा में पानी धारण की क्षमता भी बढ़ गई। तो अब छोटे पौधे यानी शाकीय पौधे उनका विकास होने लग जाता है। तो ये जो कुछ पौधे हैं शाक वाले, जैसे पोवा है, फेस्टुका है, एरिस्टिडा है, ये उगने लग जाते हैं। अब आप जानते हो इन शाकीय पौधों में जड़ें होती हैं, तो ये जड़ें क्या करती हैं, इनकी जड़ें चट्टानों के अंदर घुसती हैं, उनमें दरारें करती हैं और फिर अपघटन हो रहा है जिससे मिट्टी चट्टानों के कण जो हैं वो मिल जा रहे हैं और ह्यूम्स की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा बन रही है। तो अब ये परिस्थितियाँ जो हैं अगली स्टेज के लिए काफ़ी अनुकूल हो जाती हैं। तो शाकी अवस्था के बाद क्या आएगा, झाड़ी अवस्था यानी श्रब की अवस्था। तो अब आप देख रहे हो धीरे धीरे मिट्टी का संकलन या फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ झाड़ियाँ, कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, रस है, फाइटोकार्पस है, ये विकसित होने लग जाते हैं और ये जो है अब शाकीय वनस्पति को ढकने लग जाती हैं। यानी कि आप देखते हो जो छोटे पौधे हैं उनकी जगह साथ में यदि बड़े पौधे आ जाएं तो छोटे पौधे ढक जाते हैं, उनको प्रॉपर जो है सनलाइट नहीं मिलेगी, हवा पानी भी कम मिलने लगता है, जिसके कारण जो है कुछ पौधे जो है वो मरने लग जाते हैं। उनकी मृत्यु से फिर से वही बात आ रही है कि वहाँ रेत के कण हैं, मिट्टी के कण हैं और ये इन पौधों की मृत्यु होने से ह्यूम्स ज़्यादा बनने लग जाती है। तो आप लगातार देख रहे हो कैसे स्टेज के दौरान मिट्टी का निर्माण होते जा रहा है। तो अब अगली अवस्था के लिए ये परिस्थितियाँ अनुकूल हो जाती हैं। झाड़ी अवस्था के बाद आखिरी अवस्था आती है क्लाइमेक्स, या क्लाइमेक्स स्टेज है या फॉरेस्ट स्टेज है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे वृक्ष हैं, मैपल, ओक हैं या कॉर्निफर्स हैं, ये पौधे विकसित होने लग जाते हैं। पहले तो इनकी संख्या कम होती है लेकिन धीरे धीरे वहाँ पर मिट्टी की मोटी परत होने के कारण बन जाती है, जिसके कारण ह्यूम्स की मात्रा अधिक हो गई, वहाँ बैक्टीरिया आ जाते हैं जो खनिजीकरण करते हैं। तो ये सारी परिस्थितियाँ जो हैं वो अनुकूल हो जाती हैं, जिसके कारण पौधे जो हैं वो ज़्यादा उगने लग जाते हैं, वृक्ष जो हैं बहुत ज़्यादा संख्या में हो जाते हैं और धीरे धीरे वो स्थान जो है सघन जंगल में बदल जाता है। तो आपने इस तरह से देखा कि हाइड्रोसियर हो या जीरोसियर हो, कैसे वहाँ पादप समुदाय का विकास होता है, कौन सी स्टार्टिंग स्टेज से ये शुरुआत होती है और धीरे धीरे आप देख रहे हो लास्ट क्लाइमेक्स स्टेज जंगल में वो परिवर्तित हो जाता है और जंगलों का निर्माण जो है वो इसी तरीके से होता है। आज हम कहीं भी जाते हैं, जंगल देखते हैं, तो उनकी शुरुआत ऐसे नहीं होती है कि हर जगह शुरुआत जो है वो बड़े बड़े वृक्षों से ही हो, शुरुआत छोटे झाड़ियों से होती है, शाकीय अवस्था से होती है, झाड़ी से होती है, फिर जाकर वृक्ष में बदलते हैं। तो ये बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये एग्ज़ाम में भी अक्सर पूछा जाता है, तो इसको हम एक पिक्चर के जरिए या फ्लो चार्ट के जरिए प्रेजेंट करते हैं तो अच्छा होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि पदार्थों का चक्रीकरण होता है। हमने पीछे पिरामिड्स की बात की थी, फूड चेन, फूड वेब की बात की थी, इकोसिस्टम में हमने जैविक अजैविक घटक की बात की थी। तो खनिजों का या गैसों का चक्रीकरण क्या है उसको देखेंगे। तो बच्चों हम एक बात जानते हैं कि पौधे जो हैं वो
अकार्बनिक तत्वों से, अकार्बनिक पदार्थों से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। ये कार्बनिक पदार्थ जो हैं जंतुओं द्वारा लिए जाते हैं या परपोषियों के द्वारा लिए जाते हैं। और फिर से वापस आप सोच के देखिए कि पौधों को हमेशा ये अकार्बनिक पदार्थ कैसे अवेलेबल रहते हैं। तो ज़रूर यहाँ पर एक चक्र चलता है, तत्वों का चक्र जिसको कहते हैं, या बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं, या साइकिलिंग ऑफ मैटर कहते हैं, वो चलता है, जिसके कारण जो है इनकी पूर्ति जो है हमेशा होती रहती है। हमने पहले डिकम्पोजर्स की भी बात की थी कि डिकम्पोजर्स जो हैं, जो मृत जीव हैं या पौधे हैं, उनके मृत अवशेष से जो है वो तत्वों को डिकम्पोज करते हैं, उनका अपघटन करते हैं और उनको पर्यावरण में या वातावरण में उनको स्वतंत्र करते हैं। तो इस तरीके से हर एक की जो मात्रा है, यानी तत्वों की जो मात्रा है, वो सीमित कहना चाहिए उतनी ही रहती है जितनी उनको होनी चाहिए। मतलब शुरुआत में यानी कहना चाहिए कि जैसे ऑक्सीजन की मात्रा हम जानते हैं कि 21% है, नाइट्रोजन हम जानते हैं 78% है। तो इनका एक साइकिल चलता है जिसके कारण जो है इस पर्यावरण में इनकी मात्रा जो है ये बराबर बनी रहती है या संतुलित रहती है। तो अभी हम उन्हीं चक्रों की बात करेंगे, तो किस तरीके से जीवों एंड पौधों के बीच जो प्रोटोप्लाज्म है, उनमें जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, कैसे वो वातावरण से उन तक पहुंचते हैं और फिर से उनके उनसे वातावरण तक पहुंचते हैं। तो दरअसल इनके बीच जो है एक माध्यम होता है जिसके कारण ये चक्र चलता रहता है। तो असल में हम बात करें तो वातावरण में ये भौतिक पदार्थ जो हैं पौधों के द्वारा कार्बनिक पदार्थों में बदला जाता है, कार्बनिक पदार्थ जंतु लेते हैं, परपोषी लेते हैं और उनकी मृत्यु के बाद जो सूक्ष्म जीव हैं उनका अपघटन करते हैं और वापस वो पदार्थ जो हैं वातावरण में पहुंच जाते हैं। तो वातावरण से इन तत्वों का जीवों के शरीर में पहुंचना और शरीर से वापस वातावरण में पहुँचना ही ये साइकिल है या बायोजियोकेमिकल साइकिल है। ये दो भागों से मिलकर बना होता है, एक को हम कहते हैं रिजर्वायर पुल या संचायक पुल, दूसरा जो है चक्रण पुल है या साइक्लिंग पुल है। तो पहला जो है रिजर्वायर पुल है, ये अकार्बनिक घटकों से मिलकर बना होता है, ये बड़ा होता है और ये धीरे धीरे चलता है। दूसरी बात हम देख रहे हैं चक्रण पुल, इसको एक्सचेंज पुल भी कहते हैं, इसका जो ये सक्रिय भाग होता है, इसमें क्या होता है वातावरण और जीवों के मध्य जो है खनिज पदार्थों का आदान प्रदान होता है। कुछ एग्जांपल्स के जरिए हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब हम बायोजियोकेमिकल की बात करते हैं, तो तीन प्रकार का होता है। पहला है वाटर साइकिल यानी जल चक्र, दूसरा आप देख रहे हो गैसेस साइकिल, गैसों का चक्र, और तीसरा आप देख रहे हो खनिज का चक्र। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं जल का चक्र जो है, जल चक्र जो है आप जानते हो कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं जीवों की, जो आवश्यकताएं हैं, पहली आप जानते हो प्राणवायु ऑक्सीजन है, दूसरी आप जानते हो कि जल है, तीसरा भोजन आता है। तो जल जो है बहुत आवश्यक है, बिना जल के जिया नहीं जा सकता। और आप ये भी जानते हो कि हमारे बॉडी का 70% भाग जो है वो जल होता है, पानी होता है। और पृथ्वी में भी आप जानते हो कि 71% जो है पृथ्वी का भाग जो है वो पानी है, यानी वाटर बॉडीज है। वो वाटर बॉडीज़ कौन कौन सी हैं बताने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जानते ही हैं, जैसे सागर है, समुद्र हैं, झीलें हैं, नदी हैं, तालाब, पोखर हैं, झरने हैं, ये सब जो है पृथ्वी का 71% भाग में ये पानी है। तो अब पानी चूंकि आवश्यक है, तो इसका भी क्या होता है साइकिलिंग होता है, चक्रण होता है, और चक्रण के द्वारा ही वापस पृथ्वी पर पहुँचता है। तो ये चक्रण आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर हम इसको देख लेते हैं कि कैसे किस तरीके से ये साइकिल वापस जो है पानी हमारी पृथ्वी पर पहुंचता है। तो शुरुआत में देखें तो आप जानते हो कुछ जो स्रोत हैं, नदी पानी के स्रोत ओशियंस हैं, सागर महासागर हैं, नदी तालाब झील झरने हैं, इनमें से पानी जो है वो क्या होता है एवोपरेट होता है, वाष्पीकृत होता है, सूर्य की किरणों से ये वाष्पीकृत होता है, जल वाष्प के रूप में ये ऊपर हवा में वातावरण में आता है।
दूसरा एक साधन आप देख रहे हो प्लांट्स के जरिए भी ट्रांसपायरेशन होता है, तीसरा एक साधन और है मिट्टी के द्वारा एवोपरेशन होता है। तो ये सब के द्वारा ये जल जो है वो कहाँ पहुँच रहा है, हवा में, बादलों में, हवा में पहुँच रहा है, वहाँ पर हवा तेज चलती है, ये संघनित होते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस होती है जलवाष्प की, और फिर बारिश की बूंदों के रूप में, या कहना चाहिए पहले बादल बनते हैं, और बादल बनने के बाद फिर वो बारिश के रूप में नीचे आते हैं, और फिर ये बारिश का जो पानी है आपका कुछ भूभाग में नीचे चला जाता है और मोस्टली जो है वापस समुद्र में पहुंच जाता है। तो इस तरीके से ये हमने पहला जो है जल चक्र की बात की कि जल जो है किस तरीके से चक्र के द्वारा वापस हमारे पृथ्वी पर पहुंचता है। अगर ये चक्र बिगड़ता है, आप जानते हैं कि कई सारी चीज़ें जो है अभी मुश्किलें आ रही हैं, पानी की कमी हो जा रही है, या ग्लोबल वार्मिंग के कारण आप जान रहे हो समुद्र का तल बढ़ रहा है, तो ये हमारे ह्यूमन बींग की एक्टिविटीज़ के कारण ही ये डिस्टर्बेंस होता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण जो है, वो बैलेंस पोजीशन में रहे, ताकि हर एक चीज़ की, आप जैसे इस इकोसिस्टम चैप्टर में अपने हर एक चीज़ को भी देखा कि कैसे हर एक चीज़ का इम्पोर्टेंस है, चाहे वो अजैविक घटक हो चाहे वो जैविक घटक हो। फूड चेन में भी हमने देखा, फूड वेब में भी देखा, हर एक ऑर्गेनिज्म की इम्पोर्टेंस बनी रहती है। तो इसी तरीके से ये साइकिल भी जो है बरोबर चलते रहें, और इनका बैलेंस जो है या इनकी क्वांटिटी जो है वो बराबर इस पर्यावरण में बनी रहे, तो हमारी जो मानवीय जो एक्टिविटीज़ हैं वो पर्यावरण के अनुकूल होने चाहिए। तो अब हम इसके बाद दूसरे और गैसेस चक्र की बात करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन साइकिल की बात करेंगे और ऑक्सीजन साइकिल की बात करेंगे। तो बच्चों अब हम कार्बन साइकिल की बात करते हैं। कार्बन आप जानते हो सभी जीवधारियों के निर्माण करने में एक मुख्य संघटक पदार्थ होता है। कार्बन जैसे हम कार्बनिक पदार्थ लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, लिपिड है, विटामिन्स हैं या न्यूक्लिक एसिड है, इसमें ये कार्बन जो है वो मुख्य तत्व होता है। तो ये कार्बन का जो मुख्य स्रोत है वो कहाँ पर है, वो जल और वायुमंडल में रहता है। अब उसका परसेंटेज की बात करते हैं तो ये कुछ एबायोटिक कंपोनेंट्स में भी होता है। कार्बोनेट युक्त चट्टाने होती हैं, लाइमस्टोन्स होते हैं जिसमें कार्बन मुख्य पदार्थ होता है, और यदि हम हवा में बात करें तो ये सी जो है कार्बन जो है CO2 के रूप में रहता है। उसका परसेंटेज क्या होता है, 0.03%। अगर हम जल में देखें तो 0.1% होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है जल में घुली रहती है। आप जानते हो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स को भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए CO2 चाहिए रहती है। तो ये CO2 जो है उन जल में वो घुलित रहती है, डिजॉल्व रहती है। और कोल और पेट्रोलियम आप जानते हो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो काफ़ी कहना चाहिए वर्षों के बाद जो मृत अवशेष रहते हैं उनसे ये बनते हैं, फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं, तो उसमें भी ये कार्बन रहता है। तो ये अभी हम कार्बन साइकिल की बात कर रहे हैं, तो कार्बन कैसे वापस वातावरण में पहुंचता है, जीवों से लेकर पौधों से लेकर जीवों तक, जीवों से लेकर फिर वापस वातावरण में कैसे आता है, ये इसका साइकिल कैसे पूरा होता है। तो शुरुआत यदि हम करते हैं तो सबसे पहले हम देखें कि ग्रीन प्लांट्स आप जानते हो कि CO2 को वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए लेते हैं। CO2 H2O जो है मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। यही कार्बनिक पदार्थ जो है वो जंतु लेते हैं, और फिर ये साइकिल कैसे चलता है तो इसको एक पिक्चर के जरिए हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर में CO2 जो है वो 0.03 की हमने बात की है, तो ये CO2 कैसे आती है। आप देख रहे हो तीन चार माध्यम हैं CO2 के वातावरण में पहुंचने के। अगर हम पहला माध्यम बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग एंड बाकी सारे जो भी एनिमल्स हैं, जीव हैं, उनमें रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है। वो रेस्पिरेशन प्रोसेस के जरिए जो है वो CO2 को बाहर निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं। तो ये CO2 कहाँ आ गई, वातावरण में आ गई, ये पहला माध्यम हुआ। दूसरा माध्यम की बात करते हैं कि
जंगल में आग लग जाती है तो वो CO2 बाहर आ गई, फॉसिल फ्यूल्स लकड़ी कोयला अगर जलाते हैं तो वो बाहर आ जा गया, वातावरण में आ गया। तीसरी हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह में जो धुआं निकलता है वो भी CO2 उसमें रहता है, वो भी उसके थ्रू वातावरण में आ गया। फिर यदि हम बात करते हैं जो फॉसिल कोयला पेट्रोलियम जलाते हैं, व्हीकल्स वगैरह चलते हैं उसमें भी जो धुआं होता है स्मोक होता है उसमें भी वो CO2 रहती है तो वो बाहर आ गई। इस तरीके से या हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं यानी प्लांट को काटते जा रहे हैं अर्बनाइजेशन करने के लिए या डेवलपमेंट के लिए, जिसके कारण जो है CO2 का आप जान रहे हो परसेंटेज भी जो है बढ़ता जा रहा है। तो CO2 एटमॉस्फेयर में ये तीन चार माध्यम से हवा में आ जाती है। अब ये CO2 को यूज़ करने वाला केवल एक ही है और वो है प्रोड्यूसर यानी वो उत्पादक है। वो पौधे CO2 को लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वो CO2 लेते हैं। अब जानते हैं कि वो CO2 लेकर क्या बनाएंगे, कार्बनिक पदार्थ बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन की हमने बात की, विटामिन्स न्यूक्लिक एसिड जो जीवों का मुख्य संगठक तत्व है, तो वहाँ वो बनाते हैं कार्बनिक पदार्थ। एक तो वो कार्बनिक पदार्थ एनिमल्स लिया, प्राइमरी कंज्यूमर लेगा, प्राइमरी से सेकेंडरी टर्शरी लास्ट तक पहुँचेगा। इसके बाद अब क्या होगा, इनके जो मृत्यु होने के बाद अब घटक क्या करेंगे, इनका आप डिकम्पोजिशन करेंगे, अपघटन करेंगे, या कहते हैं हम कि जैसे फंगस वगैरह हैं वो मृत पदार्थों से ही अपना भोजन भोज्य पदार्थ लेते हैं तो वो भी उनसे लिया तो वो तत्वों को क्या कर रहे हैं, हवा में स्वतंत्र कर रहे हैं। तो ये एक माध्यम से फिर से वापस जीवों के माध्यम से ये वापस हवा में आ जाता है। दूसरा आप देख रहे हो कि सॉयल में ये मतलब प्लांट डिके हो गया है, प्लांट के मृत अवशेष हैं तो वो मिट्टी में प्रवेश करते हैं, वो कार्बन के तत्व या कार्बन के ग्रुप या कहना चाहिए कंपाउंड, और फिर इनका अगर ये काफ़ी समय तक मृत अवशेष जो है पड़े रहते हैं लाखों वर्ष हो जाते हैं तो फिर वो फॉसिल फ्यूल्स में बदल जाते हैं, वो पेट्रोलियम एंड कोयला में बदल जाते हैं और फिर से उसको जलाते हैं तो वो वापस फिर CO2 एटमॉस्फेयर में आ जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि किस तरीके से कार्बन जो है उसका साइकिल जो है वो CO2 के फॉर्म में ही चल रहा है। CO2 एटमॉस्फेयर में आती है, प्लांट्स लेते हैं, प्लांट्स के बाद जीवों में पहुँचता है, जीवों के बाद फिर वो वापस वातावरण में आ जाता है। तो आप देख रहे हो कि ये साइकिल जो है ये इस तरीके से इसका चलना जो है ज़रूरी है। और यदि हमने पहले भी बात की कि यदि हम अगर मानवीय क्रियाविधियों से गतिविधियों से यदि हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो नुकसान है वो हमको खुद को ही उसको झेलना पड़ता है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की, तो ये CO2 का परसेंटेज क्या हो रहा है, इसका मात्रा इतनी होनी चाहिए लेकिन इसकी मात्रा क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ती जा रही है, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं हम, फॉसिल फ्यूल्स बहुत ज़्यादा हमें यूज़ हो रहे हैं, उनका उपयोग किया जा रहा है, कितनी सारी गतिविधियों के कारण प्लांट काटे जा रहे हैं। अब देख रहे हो प्लांट जो है मैक्सिमम ओनली वन ही वही एक साधन है CO2 को लेने का, CO2 केवल प्लांट से ही एब्जॉर्ब करके लेते हैं और उसका कार्बनिक तत्वों पदार्थों में उसको बदलते हैं, लेकिन हमने पौधे ही काट दे रहे हैं तो उसका फिर CO2 कौन लेगा। तो ये सोचने वाली बात रहती है कि ये जो चक्र चल रहा है पृथ्वी पर चल रहा है ये इसका बैलेंस होना ज़रूरी है। इसके बाद हम ऑक्सीजन साइकिल की बात करेंगे, फॉस्फोरस साइकिल की भी बात करेंगे। अब हम ऑक्सीजन साइकिल की बात करते हैं। आप जानते हो ऑक्सीजन भी जो है प्राण वायु है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑक्सीजन को आपने जाना होगा कि ये कुछ कंपाउंड्स के रूप में भी पाई जाती है, जैसे CO2 है या H2O है, कार्बोनेट्स के फॉर्म में भी रहती है। तो इसका चक्रण कैसे होता है, सबसे पहले हम देखते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है उसको सभी जीव जंतु जो हैं वो रेस्पिरेशन या श्वसन के माध्यम से लेते हैं। इसके द्वारा जीव जंतु जो है फिर वो CO2 के रूप में उसको बाहर निकालते हैं
और जल भी निकालते हैं। आप जानते हो कि जब हम श्वसन करते हैं तो उसमें रेस्पिरेशन प्रोसेस में जल भी निकलता है, तो कई सारा हमारा बॉडी में जल तो वो यूज भी हो जाता है और कुछ परसेंटेज जो है वो बाहर भी निकलता है। तो ये दोनों CO2 और जल बाहर निकल गया, इसको कौन यूज़ करेंगे? ग्रीन प्लांट्स यूज़ करेंगे दोनों का। ग्रीन प्लांट्स जो है इसका यूज़ करके क्या बनाएंगे? भोज्य पदार्थ बनाएंगे और ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। तो आप देख रहे हो दोनों चीज़ों का उपयोग कौन कर रहे हैं? जीव जंतु कर रहे हैं। ऑक्सीजन का भी उपयोग करते हैं और भोज्य पदार्थों का भी करते हैं। तो इस तरीके से ये ऑक्सीजन साइकिल भी आप देख रहे हो कैसे ये चलता रहता है। फिर अब एक और हम फास्फोरस साइकिल की भी बात करते हैं, ये खनिज साइकिल में आ जाएगा। हमने तीन साइकिल की बात की थी, एक आपका जल चक्र था, एक आपका गैसेस साइकिल था और एक खनिज चक्र था। तो हमने जल चक्र की भी बात की, हमने गैसेस साइकिल की भी बात कर ली, कार्बन साइकिल CO2 के फॉर्म में और ऑक्सीजन साइकिल की बात की। अब एक हम खनिज चक्र के एग्जांपल को भी हम ले लेते हैं, फास्फोरस साइकिल को देखते हैं। फास्फोरस भी जो है आप जानते हो कि सभी जीवधारियों का एक मुख्य तत्व रहता है और हमारे जीवद्रव्य में जो ATP है, ATP है, ADP है या न्यूक्लिक एसिड्स हैं, DNA, RNA है, तो उसमें ये फास्फोरस जो है मुख्य तत्व रहता है। तो इसका भी चक्रण हम देखें कैसे होता है। आप देख रहे हैं सबसे पहले हम देख रहे हैं स्थलीय जंतु और समुद्री जंतु, इनके द्वारा जो भी इनकी बॉडी में जो फास्फोरस है वो कैसे पहुंच रहा है, तो वो देख रहे हो आप। स्थलीय पौधे और समुद्री पौधे जो हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, फैट प्रोटीन बनाते हैं, उसी में वो फास्फोरस रहता है। तो वो फास्फोरस जो है वो जंतुओं में पहुंचता है, उनके द्वारा आप देख रहे हो दो तीन माध्यम से ये फिर पृथ्वी और समुद्र में ये फास्फेट के रूप में सबमिट होते हैं या डिपॉजिट होता है, कवच या कोरल के रूप में या मलमूत्र के रूप में आप देख रहे हो, या एक और माध्यम है मृत्यु या अपघटन के जरिए भी ये जो है नीचे पृथ्वी पर आ रहा है, वहाँ पर वो फॉस्फेट जो है विलयन के फॉर्म में फिर पौधों के द्वारा या समुद्री या स्थलीय पौधों के द्वारा ले लिया जाता है और फिर से वो जंतु में पहुँचता है, जंतु के द्वारा वापस वो पृथ्वी पर आता है अपघटन के द्वारा या मृत्यु के बाद। तो इस तरीके से आप ये भी देख रहे हो फिर से ये फास्फोरस साइकिल जो है कैसे चल रहा है। इस तरीके से हमने इस इकोसिस्टम के चैप्टर में हमने बहुत सारी बातें समझी और सीखी कि कैसे जो है एक पारितंत्र का निर्माण होता है, कौन कौन से पारितंत्रों की हमने बात की, ये भी महत्वपूर्ण है, और फिर पारितंत्र के जो घटक हैं कैसे एक दूसरे से इंटरेक्शन बनाए रखते हैं। एक वृक्ष भी इकोसिस्टम हो सकता है, और हमने घास और वन के पारितंत्रों की भी बात की या इकोसिस्टम की बात की। इसमें जैविक और अजैविक घटक कैसे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, संबंधित रहते हैं। इसके बाद अभी हमने फिर इकोलॉजिकल पिरामिड की भी बात की, पिरामिड्स में हमने बायो नंबर, बायोमास एंड एनर्जी पिरामिड की बात की थी पिछले पार्ट्स में, और अभी हमने देखा कि ये क्या साइकिल जो है कैसे किस तरीके से ये रन करते हैं या चक्रण इनका चलता रहता है। तो कहने की बात है कि हम बायोलॉजी में 12th क्लास में जो पर्यावरण का ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं या पारितंत्र का जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। एज ए बायोलॉजिस्ट की नज़र से देखा जाए तो जो पर्यावरण के हर एक तत्व का इम्पॉर्टेंट होता है, और अभी हमने इस चीज़ को समझा भी, देखा भी। तो एज अ स्टूडेंट होने के नाते हमें अपने पर्यावरण को बचाए रखने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। आपने देखा हर एक चीज़ का इम्पॉर्टेंस है, जहां हमने चक्रों की बात की, जहां हमने जैविक अजैविक घटकों की बात की, या फिर हमने फूड चेन फूड वेब की बात की, हर एक चीज़ का एक अस्तित्व है इस पृथ्वी पर, इम्पॉर्टेंस है। तो ये चैप्टर जो है ये परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इस तरीके से हम इसको अच्छे से समझकर हम अपने आंसर को बहुत बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं।